स्कॉट गार्डन्स एकेडमी मैथमेटिक्स क्लास। टेक्नोमेट्री में हम लोगों ने अब तक जो टॉपिक डिस्कस कर लिया था, तो दो टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे आज चर्चा कर इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किए थे। पहला था टेक्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बातें की थी। तो टेक्नोमेट्रिक रेशियो जो सिक्स टाइप के हैं, साइन कॉस टैन सेक कोसेक, है ना, इसके बारे में चर्चा हुई। फिर जो सेकेंड टॉपिक हम लोगों का था कि कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जिसमें हमने साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री अमूमन इन पांच कोणों के मान आपको याद होने चाहिए, है ना। इन्हीं का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये दो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। आज इसी पर बेस कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, है ना। और दूसरा क्वेश्चन 210 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड होते हैं, ये आपको मान याद है और बाकी हम लोगों ने प्रूव करके एक एक वैल्यू को फाइंड आउट कर रखा है, कैसे साइन 60 का मान हम फाइंड आउट करते हैं, कॉस 30 का, एंड सो ऑन। तो साइन 60 का मान आपको याद होना चाहिए, याद होगा होता है आपका रूट 3/2। तो यार डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देंगे, रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 का मान भी रूट 3/2 एंड प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। ठीक, रूट 3 का रूट 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3, 2 जा 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 और 2 जा 4, हर बराबर है तो अंत आपस में जुड़ जाएगा 3 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। तो इस तरीके से देखिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 210 स्क्वायर 45, तो यहाँ आपको 10 45 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, जो क्या होती है आपकी 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और 2 यहाँ पहले से है, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 वैल्यू होती है रूट 3/2 कॉस का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 वैल्यू होती है रूट 3/2 और इसका भी हम क्या कर देंगे यहाँ पर वर्ग कर देंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 1 जा 2 प्लस रूट 3/2, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, 3/4 में 3/4 घटाएं तो 2 प्लस 0, आंसर इज 2। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक एक दो दो नंबर क्वेश्चन ऐसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, मान ज्ञात करना है ना। आइए, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, जो वैल्यू होती है अगर आपको याद है वैल्यू को पुट करके और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में कई बार स्टूडेंट को दिक्कत आती है, जैसे देखिए आपको ऐसे क्वेश्चनों में यदि हर जो है ना, यानी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो आपका है, यदि ये कोई ऐसा रूट आता है जो होल रूट ना हो, जिसका आप रूट ना फाइंड आउट कर सकें, जैसे रूट 3 हो, रूट 5 हो, है ना, या रूट 6 हो, रूट 7 हो, यानी कह रहे मतलब अपर में संख्याएं हो, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इन हरों का हमें जो है परमेयीकरण करने आना चाहिए, तभी आपका यह आंसर सही आएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो साइन 30 प्लस 10 45 हर का परमेयीकरण क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में था, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, है ना। नहीं तो अगर उसका जब उस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तो उसका वीडियो होगा लिंक पे, तो आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे, आसान है, कुछ है नहीं। आइए सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 अंश, है ना, कोसेक 60 अंश की जो वैल्यू होती है क्या होती है 2/√3, ठीक, आपने इस वैल्यू को रख दिया एंड डिवाइडेड बाई सेक 30, सेक 30 की वैल्यू आपकी होती है 2/√3 प्लस कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2 एंड प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1। तो आप सबसे पहले इन वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, है ना, साइन 30 या साइन 30 वैल्यू 10 45 जो 10 45 की, ये सारे वैल्यू रखने के बाद आप क्या करिए एक एक को सॉल्व करिए। सबसे पहले आइए ऊपर वाले फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं, यहाँ एज्यूम करते हैं y1 है, है ना, इसका हम क्या करेंगे इन तीनों का ऊपर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ से, पहले देखिए 2 1 जा 2 एंड 2√3, ठीक,
ठीक, जब टू रूट थ्री में टू से भाग देंगे आप तो आपको मिलेगा रूट थ्री, रूट थ्री का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा रूट थ्री, प्लस है तो प्लस साइन लगा लेंगे। वन से जब आप टू रूट थ्री में भाग देंगे तो आपको टू रूट थ्री मिलेगा, और टू रूट थ्री का जब वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी आपको टू रूट थ्री मिलेगा। फिर क्या है माइनस है तो यहाँ माइनस साइन लगा लेंगे। अब रूट थ्री से जब टू रूट थ्री में भाग देंगे तो दो मिलेगा, और दो को जब दो से गुणा करेंगे तो दो दूना चार मिलेगा। इस प्रकार से इन तीनों का एलसीएम लेकर के हमने इसको सॉल्व किया। यही सेम प्रोसेस हमें नीचे भी करना होगा, तो डिवाइडेड लगा लीजिए, यहाँ बाय वन एज्यूम कर लीजिए, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा आपका टू रूट थ्री हो जाएगा। देखिए रूट थ्री का मल्टीप्लाई टू में करेंगे, वन में करेंगे टू रूट थ्री आएगा। अब देखिए जब रूट थ्री से टू रूट थ्री में हम भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से टू मिलेगा, और टू टू या फोर। उसी तरीके से प्लस साइन है, प्लस लगा लिया हमने। दो से जब हमने दो रूट थ्री में भाग दिया, तीन में भाग दिया तो आपको रूट थ्री मिलेगा, रूट थ्री को वन में मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा रूट थ्री, फिर प्लस है। वन से जब हम टू रूट थ्री में भाग देंगे तो वन ही मिलेगा हमें, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा टू रूट थ्री। तो ये देखिए इसको नीचे हमने सॉल्व कर लिया, इसको ऊपर से सॉल्व कर लिया। यहाँ देखिए टू रूट थ्री से टू रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है ना। तो फाइनली आपको जो मिलेगा, अच्छा दूसरी चीज आप देखिए, ये टू रूट थ्री और रूट थ्री आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, यहाँ से आपको मिलेगा थ्री रूट थ्री इक्वल टू थ्री रूट थ्री माइनस फोर एंड डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे तो थ्री रूट थ्री प्लस फोर या फोर प्लस थ्री रूट थ्री, किसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये आंसर आएगा, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ हर में एक अपरिमेय संख्या है ना, अंश में अपरिमेय संख्या चलेगा लेकिन हर में अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे हर का परिमेयीकरण करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा हर का परिमेयीकरण, ठीक। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए कक्षा 9 में हमने सीखा होगा कि उसी पद से बस चिन्ह जो बीच में साइन होता है, जब दो पद है एक पद है तो उसी पद से गुणा भाग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है दो पद है ना, एक और दो पद, तो इनके बीच में जो साइन है उसको चेंज करके उसी से हम गुणा और भाग कर देते हैं। तो यहाँ हर का परिमेयीकरण करने के लिए आपको थ्री रूट थ्री प्लस है तो वहां पर माइनस फोर करना होगा, आपको माइनस फोर से गुणा हुआ भाग करने पर, जब आप गुणा और भाग करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा बेटा ये थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन थ्री रूट थ्री प्लस फोर मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा थ्री रूट थ्री माइनस फोर एंड थ्री रूट थ्री माइनस फोर, ठीक है। अब देखिए ऊपर गुणा ऊपर करिए, नीचे गुणा नीचे कर लीजिए, ऊपर गुणा होगा तीन त्रिक के नौ, और कर्णी में तीन गुणा कर्णी में तीन होगा बेटा क्या आ जाएगा आपके यहाँ से तीन आ जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस माइनस माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व रूट थ्री, ठीक। अब माइनस फोर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस फोर का मल्टीप्लाई करेंगे फोर थ्री जा माइनस का ट्वेल्व रूट थ्री एंड माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई, देखिए एक फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का आप यहाँ भी यूज कर लेंगे, यदि ये वाला पद आपका ए हो और ए बी हो तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि थ्री रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, ठीक। ये हमने इसको लिख लिया, अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन होगा, और ट्वेंटी सेवन में से यदि हम सिक्सटीन को माइनस कर दें तो यहाँ से मिल जाएगा इलेवन, और ये देखिए माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस ट्वेंटी फोर रूट थ्री, ये तो ऊपर में आ गया। नीचे देखिए थ्री रूट थ्री का स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, तो थ्री रूट थ्री का स्क्वायर यहाँ से आपका आ जाएगा ट्वेंटी सेवन, तीन त्रिके नौ और रूट थ्री का थ्री ट्वेंटी सेवन, माइनस फोर का स्क्वायर आपका आ जाएगा सिक्सटीन, यानी आपको आंसर मिल जाएगा बेटा यहाँ से इलेवन माइनस ट्वेंटी फोर रूट थ्री डिवाइडेड बाई इलेवन। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे
अच्छा ये 93 कितना जाएगा, 27 और एक प्लस 16 है ना, तो ये माइनस नहीं होगा, है ना। तो 27 में और 16 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 43, सॉरी, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 43, बाकी सब कुछ सही है ना। 43 माइनस 24, क्योंकि ये प्लस है ना, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइड बाई 11, नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने दिया है कि यदि टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3 और टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1 बाई रूट 3 हो, तथा ए प्लस बी की जो वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी हो और 90 डिग्री के बराबर है उससे कम हो और ए इज ग्रेटर देन बी हो, तो ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपको ए व बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए आपको क्या दिया है, पहले टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3 है ना, और दूसरा बेटा आपको दिया है टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1 बाई रूट 3। तो देखिए टेन ए प्लस बी, अब आपको याद होना चाहिए रूट 3 किसकी वैल्यू होती है ना, तो हम जानते हैं रूट 3 जो होता है वो टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, टेन 60 है, उसका वैल्यू कितना होता है रूट 3 होता है ना। और तो इसको हम लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी रूट 3 या टेन 60 डिग्री, टेन टेन दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा बेटा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहाँ देखिए टेन ए माइनस बी जो 1 बाई रूट 3 वैल्यू होती है, होती है टेन 30 अंश की, है ना, टेन 30 डिग्री की। तो टेन टेन फिर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आप कुछ नहीं करिए, आप सिर्फ सम कर दीजिए इक्वेशन 1 को 2 से, है ना। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पर, है ना, तो आप देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 और ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जोड़ देंगे ए ए 2 ही हो जाएगा, ए प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर आपका आ जाएगा 90 डिग्री, ए इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ ए क्या आ गया आपका बेटा, 45 डिग्री आ गया यहाँ से, ठीक। अब देखिए अब इस वैल्यू को उठा करके आप क्या करिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ए का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो रख देंगे आप, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री या 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री या बी इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, देन बी इक्वल टू कितना आ गया आपका 15 डिग्री। तो ए का मान हो गया 45, बी का मान कितना हो गया 15 हो गया, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ए और बी का मान आपको मिल गया, ये रहा ए का मान और ये बी का मान, सॉल्व कर लीजिए इसको। क्वेश्चन आपका दिया है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू sin 60, प्रूव करना है आपको, है ना। तो सबसे पहले देखिए आप LHS ले लीजिए, ठीक। LHS क्या है आपका, 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30, है ना। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 1 बाई रूट 3 1 प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, ऊपर आपका आ जाएगा बेटा 2 बाई रूट 3 और नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर 3, है ना। 3 वन जा 3 प्लस 4, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 बाई रूट 3 एंड 4 बाई 3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 बाई रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 4, 2 टू जा 4 और रूट 3 को 3 से देंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर रूट 3, रूट 3 बाई 2, और ये वैल्यू किसकी होती है साइन 60 डिग्री की। तो एल एच एस बराबर आपका हो गया आर एच एस, हो गया, है ना, सॉल्व कर लीजिएगा इसको।